हमारी एक छोटी सी और बहुत ही जायज मांग है। हम विगत 15 दिनों से यहाँ पर छात्र संघ की चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए, छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने के लिए कॉलेज प्रशासन से मांग कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं, और इसी के लिए ये हम लगातार 15 दिनों से धरना करते हैं और ये धरना करते रहे। कितनी पद के लिए मांग कर रहे हैं? अगर चुनाव ऐसे लेट हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? चुनाव लेट होने से बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस बार एडमिशन के सारे प्रोसेस हो चुके हैं। जैसा कि लिंग दो का नियम है कि लिंग दो कमेटी जो कि चुनाव आज निर्धारित करती है, उसमें एकदम साफ साफ नियम है कि विद इन 6 वीक्स एडमिशन के होने के 6 हफ्ते के उपरांत में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को छात्र संघ का पूरा चुनाव करा देना चाहिए। लेकिन जैसे लिंगदो कमेटी की बाकी सारी शर्तों का कॉलेज प्रशासन ध्यान देता है, वैसे ही इस बात का क्यों वो ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा चुनाव करा दीजिए। भैया आप लोग इस समय कितने बैठे हैं? हम लोग लगभग 25 लोग के तादाद में हम लोग बैठे हुए हैं जो कि दिन रात रहने का काम करते हैं। क्या ऐसा पहले भी हुआ था या पहली बार ऐसा हो रहा है चुनाव में? ये छात्र संघ चुनाव का एक प्रकार का प्रथा बनाया जा रहा है कि हर बार धरना दिया जाएगा, उसके बाद चुनाव का डेट दिया जाएगा। पिछले बार भी यही हुआ, हमारे सीनियर थे जो पिछली बार चुनाव हुआ तो 14 दिन का धरना दिए, उसमें अनशन भी हुआ और भूख हड़ताल भी हुआ था, तब जाके कहीं चुनाव का डेट मई में ला के 16 मई को चुनाव कराया गया था। इसी प्रकार से उसके पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है। ये निरंतर हर वर्ष की एक बना दिया गया है प्रक्रिया, जैसे कि अगर कोई के चुनाव लड़ना है किसी भी, तो उसको अपने अधिकार के लिए धरना देना होगा, अनशन करना होगा, भूख हड़ताल करना होगा, तभी ये चुनाव कराएंगे। ऐसी इनकी तानाशाही रवैया हो गई है और इनका जमीर पूरी तरीके से मर चुका है। मैं आपको अवगत करा दूं कि एकमात्र चुनावों में छात्र संघ का चुनाव होता है, जो उसे कहा जाता है कि ये हर चुनाव का एक नर्सरी होता है। किसी को अगर कुछ सीखना है राजनीतिक पर्पज से तो ये छात्र संघ चुनाव लड़ेगा तो वो कुछ सीख पाएगा, फिर वो समाज के लिए एक अच्छा बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति होता है। कोई भी इस कॉलेज में पढ़ता होगा, वो इंटर पास करके पढ़ता होगा, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो पूर्ण रूप से शिक्षित व्यक्ति है और कहीं ना कहीं वो समाज में एक अच्छा संदेश दे रहा है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि ISPCS जो हम लोग को चुनाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेता हैं, जो सदन की आवाज़ बने हुए हैं, जो विधान परिषद की आवाज़ बने हुए हैं, वो भी हमारी आवाज़ों को पहचाने, जो ऐसी नर्सरी से निकल के गए हैं। हमारे इस महाविद्यालय का एक इतिहास रहा है और वर्तमान समय भी इतिहास है। हमारे दक्षिणी से वर्तमान विधायक हमारे कार्य से महामंत्री रहे हैं नीलकंठ तिवारी जी, और आशुतोष सिन्हा जी MLC हैं वर्तमान में, रमेश जायसवाल जी, अतुल राय जी और दयालु गुरु जी, बहुत ऐसे शख्सियत हैं जो हमारे कॉलेज से निकल के गए हैं और इस छात्र संघ परिवार से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। तो सारे छात्र नेताओं के दर्द को समझें और कहीं ना कहीं ये आवाज़ सदन तक उठे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये छात्र संघ की अगर नर्सरी को ख़त्म किया जाएगा, छात्र संघ के चुनाव को ख़त्म किया जाएगा, तो बच्चों का मदद कौन करेगा? चुनाव की डेट हर साल प्रशासन से सहयोग करके लिया जाता है। महाविद्यालय चुनाव कराना चाहता है, पुलिस की अपनी व्यस्तताएं हैं, बार बार पुलिस प्रशासन के लिए हम लोग उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, जो ही पुलिस बल मिलेगा चुनाव करा दिया जाएगा। आश्वासन हम देने का अधिकारी नहीं है, मेरा काम है इनकी बात को जाके पुलिस प्रशासन को बताना कि हमारे यहाँ चुनाव कराना है, लड़के आंदोलनरत हैं, वह सूचना हम बार बार लेकर के जाते हैं। अधिकारी ही आश्वासन देगा कि कब हम कराएंगे। जब तक कमिश्नरेट से या उसके सक्षम अधिकारी से कोई डेट हमें नहीं प्राप्त होगा, हम चुनाव करा सकते नहीं सकते। 20 मार्च तक इनकी कोई उम्मीद नहीं है। 20 मार्च के बाद ADCP साहब ने कहा है कि हम सोचेंगे कि चुनाव करा दिया जाए। छात्रों की संख्या 8,840 के आसपास। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।